नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा मार्केट है शेयर मार्केट, वो 1 जनवरी और आगे के आने वाले दिनों में किस प्रकार से ट्रेड करेगा, और इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कि है जो हमारा गवर्नमेंट है उसने नया बिल पास किया है जिसमें कि एक कानून है जिसमें कि जो ड्राइवर रहते हैं उनकी अपोजिशन में कुछ केस है। जैसे कि अगर कोई ड्राइवर किसी गाड़ी में या फिर किसी को एक्सीडेंट के दौरान उसकी मरता हुआ छोड़ देता है तो उसके लिए जेल और उसके लिए जुर्माना होगा, तो उसके विषय में यह वीडियो है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। और यह न्यूज़ हमारे मार्केट में किस प्रकार से मार्केट को ट्रेड करने के लिए उत्साहित करती है, मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जो अभी अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, जो यह कानून आया है इसकी वजह से जो ड्राइवर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की लॉ के खिलाफ। जैसे कि अगर वह किसी भी पर्सन को ट्रक मार देते हैं या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको अगर मार देते हैं तो उनके खिलाफ उनके लिए पेनल्टी के हिसाब से 10 लाख रुपए का जुर्माना रहेगा और 10 साल की सज़ा रहेगी। इसके विरोध में वह सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो हमारा इंडिया का ओवरऑल मार्केट है उसमें बहुत बड़ा इन्फ्लेशन आ सकता है, क्योंकि जो हमारे भारत की इकोनॉमी है वो हमेशा ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट रहती है। और भारत की बात ना करके सभी देशों की जो इकोनॉमी रहती है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है ट्रांसपोर्ट पर। अगर आप ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी है या फिर दूसरे देशों की इकोनॉमी है वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और ग्रोथ नहीं दे पाएगी। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा मार्केट पे असर होता हुआ दिखेगा अगर मार्केट में यह कानून वापस नहीं लेती है गवर्नमेंट। अगर और स्ट्राइक करते हैं जो ड्राइवर हैं वो और ज़्यादा स्ट्राइक बढ़ाते हैं तो इससे हमारे भारत की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। और जैसे कि अगर हम बात करें पेट्रोल पंप की, अगर जो ट्रक रहता है वो ट्रक भी पेट्रोल के लिए जो जहाँ से लाता है रिफाइनरी से जहाँ से भी लेके आता है पेट्रोल पंप तक, उसमें भी एक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर वह फुलफिल नहीं की जाएगी तो हमारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, और उसके साथ साथ जो प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं वो भी बंद पड़ जाएंगे, क्योंकि जब तक पेट्रोल नहीं आएगा डीजल नहीं आएगा तब तक गाड़ी और व्हीकल बाईसाइकिल कोई भी चीज़ें नहीं चला सकते हैं। तो इसके लिए हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है अगर यह लो वापस गवर्नमेंट नहीं लेती है तो हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, और इससे इसकी वजह से हमारे शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो अभी जैसे कि हमारे जैसे बेंगलोर से हमारे देश में टमाटर ज़्यादातर सप्लाई होता है, अगर वह टमाटर भी नहीं आएगा तो जो हमारे वेजिटेबल्स हैं उनकी प्राइस भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। जब तक मार्केट में सप्लाई चेन कम्प्लीट नहीं होगी तब तक हमारा मार्केट में जो प्राइस है उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी सब्ज़ी की, और उसकी वजह से हमारे मार्केट की जो प्राइस है वो बढ़ती जाएगी। और जैसे कि अगर जो हम वेजिटेबल ऑयल रहता है उसको भी अगर सप्लाई नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके उसकी प्राइस जैसे 150 है तो धीरे धीरे करके उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। अगर जब तक हमारा गवर्नमेंट इस कानून को वापस नहीं लेती है तब तक हमारे इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर करेगी। यही 2-4 दिन अगर ट्रक बंद रहते हैं तब तो देख सकते हैं कि यह है हमारे मार्केट किस प्रकार से इन्फ्लेशन कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लास्ट में यही कहूँगा, जब तक हमारे गवर्नमेंट इस कानून को वापस नहीं लेती है और जब तक हमारे ट्रक ड्राइवर हैं इस स्ट्राइक को क्लोज नहीं करते हैं तब तक हमारे मार्केट की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर रहेगा, जिसकी वजह से हमारे शेयर मार्केट पर बहुत असर रहेगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।